अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं हरियाली चिकन। ये हमने लिया है तकरीबन 1 किलो पालक, जिसे हम रफली काट लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए पालक हमारा धुल चुका है। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए भगोने में उबालने के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा जो पालक है वो उबल चुका था और हमने इसे मिक्सी में दरदरा मोटा मोटा पीस लिया है। चलिए अब हम अपने चिकन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमने लिया है 1/2 किलो चिकन, जिसे हमने धो के रख लिया था। साथ ही साथ ये सारे हमारे मसाले हैं, 1.5 चम्मच हरा धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, ये 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, ये 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, ये नमक 1 चम्मच और ये है गरम मसाला 1/2 चम्मच। और साथ ही साथ ही हमने लिए हैं 2 प्याज जिसका हमने पेस्ट बना लिया है, और यहाँ साथ ही साथ हमने लिए थे 2 टमाटर जिसको भी हमने मिक्सी में पीस लिया है। तो गाइज यहाँ हमने अपना तेल का रखा है गरम। अब हम इसमें डाल देंगे ये जीरा। तो दोस्तों जीरे के बाद अब हमने इसमें डाल दिया है अपना चिकन। अब हम इसे थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे अच्छे से। तो दोस्तों देखिए चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, इसको हमने निकाल लिया है। अब हम यहाँ तेल में डाल देते हैं अपनी प्याजे, और साथ ही साथ हमने डाल दिया 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो हम इसे अच्छे से करेंगे फ्राई। तो दोस्तों प्याज हमारी भुन चुकी है, अब हम इसमें अपने टमाटो की प्यूरी भी डाल देते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे सारे मसाले हैं ये भी हम इसमें डाल के इसे अच्छे से भूनेंगे। तो दोस्तों देखिए मसाला हमारा एकदम बेहतरीन तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं अपना चिकन। अब हम इसे चिकन के साथ तकरीबन 3-4 मिनट तक और हल्का सा पकाएंगे, इसे दम पे लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए चिकन हमारा एकदम बेहतरीन भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं अपना पालक। और अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट तक पालक के साथ हल्की आंच पर और पकाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमारा हरियाली चिकन या पालक चिकन भी कह सकते हैं इसे आप, एकदम तैयार है। अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा हरियाली चिकन रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।